दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास ने अपने घर पर बैठक किया है कुछ लोगों के साथ। उन्होंने कहा है कि हम किन कामों को करने जा रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम नाला या सड़क या फिर जल जमाव के ऊपर काम करते आ रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इस वक्त वो सभी लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और 21 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक पंचायत भवन में करेंगे। उन्होंने जो कचरा प्रबंधन के लिए जो बाल्टी दिया जा रहा है घर घर दिया जाएगा उसको दिखाया कि वो कितना कमजोर है और वो कैसे टिक पाएगा, तोड़ कर उन्होंने दिखाया। ये हरा वाला डब्बा है, वाला डब्बा में के पूरा तो ये कुछ ठेकेदार सब आए हैं जो हमको कुछ ठेकेदार देगा, ठीक है, इसको गारे पे टूटिए गया, ठीक है। तो बल्कि ये हरा वाला डब्बा में दिखाई ना, ये हरा वाला डब्बा में इसको ताकि कितनों पटक किएगा छोड़िएगा तो नहीं छूटेगा, लेकिन चनिया दावे तो टूटिएगा, ऐसे दावे कि टूटिएगा। कोई ठेकेदार सब अपना अपना सैंपल दे गए हैं कि भाई हमको लगाइए तो हमको लगाइए। सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है जिसमें 2 डिसमिल जमीन की आवश्यकता है। वह 2 डिसमिल जमीन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने पत्र के माध्यम से NOC के लिए अंचल अधिकारी महोदय से मांग किए हैं। वह NOC अभी तक अप्राप्त है, NOC का इंतजार हो रहा है। जैसे ही हमको NOC आ जाएगा महादलित के टोला में भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो जाएगा, जिसमें 3 महिला के लिए बनेगा शौचालय रूम, 3 पुरुषों के लिए बनेगा। इस वार्ड में एक वार्ड संख्या 14 में भी बनेगा, वार्ड संख्या 12 में भी बनेगा। महादलित टोला जहां ये राम लोग हैं वहां भी बनेगा, अनार कोठी में भी बनेगा जहां हमारा विद्यालय है, ठीक है। अंतर्गत फेस 2 का काम हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सिधौली पंचायत और मिर्जापुर पंचायत में चल रहा है, जिसको DDC महोदय के आदेशानुसार और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हायाघाट के आदेशानुसार सामान को क्रय करने के लिए पत्र मुझे प्राप्त है। उस पत्र के आलोक में मुझे निविदा निकालना था जो संवेदकों द्वारा अपना आवेदन करेंगे, वह निविदा हम निकाल दिए हैं। पंचायत कार्यालय सिधौली में निविदा को चिपका दिया गया है, जो 14 तारीख से लेकर के 20 तक आवेदन लिया जाएगा। 21/5/2022 को उस पर विचार किया जाएगा जो किस संवेदक के द्वारा कम से कम मूल्य पर हमको सामान उपलब्ध कराया जाएगा, उन संवेदकों को चयनित करके हम वो दे देंगे। उसमें हम और पंचायत सचिव श्री शिवनाथ मंडल जी वो भी रहेंगे। अभी वहाँ पर निविदा को चिपका दिया गया है, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से इसको फ्लैश कर दिया। पंचायत कार्यालय सिधौली में कर्मियों को नियुक्त कर दिया गया है, उनको हम प्रतिनियुक्त कर चुके हैं आवेदन संवेदकों से लेने के लिए, जिसमें विकास मित्र अनिता देवी सिधौली पंचायत के, दूसरा है आवास सहायक मनोज जी, और तीसरा है ये हमारे किसान सलाहकार जी। इन तीनों को हम प्रतिनियुक्त किए हैं कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो संवेदक आवेदन जमा करेंगे उनको आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और उनके द्वारा जो आवेदन आएगा बंद लिफाफा में आए जो भी है उसको उसी तरह से रखना है। हम लोग 21 को बैठेंगे, फिर हम लोग अपने स्तर से उसको खोलेंगे जी, यही बात है। मुसरी टोला वार्ड संख्या 10 में सरकार का गाइडलाइन है, और सरकार का मानना है कि आज भी महादलित लोगों को ही जमीन नहीं हो सकता है, तो जमीन के अभाव में शौचालय नहीं बनाए होंगे, अत्र तत्र पैखाना पेशाब कर रहे होंगे, तो इसलिए महादलित के टोला में शौचालय बना दिया जाए। WPU के लिए जमीन हम लगातार 4 जगह हम दे चुके हैं, 4 जगह दिए, चारों जगह को अनफिट कर दिया गया है अंचल अधिकारी महोदय और उनके अमीन के द्वारा। कहीं हम जमीन देते हैं तो कहते हैं क्या कि यहाँ जिस साइज का भवन बनना है उस साइज का यहाँ पर वो जमीन नहीं है, इस कारण से। कहीं पर कहते हैं कि रास्ता नहीं है, इस कारण से
उसके अलावे भी चार को रिफ्यूज करने के बाद भी उन चारों का रिपोर्ट मेरे पास आ गया है, जो इसलिए हम रिपोर्ट ले लिए कि हमको ज़मीन का तलाश चल रहा है। रिपोर्ट जब हो जाएगा तो उस ज़मीन पर हम कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, इसलिए हम रिपोर्ट ले लिए हैं। और भी हम तीन ज़मीन का पेपर परसों तरसों हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हायाघाट को दे आए हैं, जो ये पेपर भी हमको उपलब्ध है। इस पेपर को जांच करा करके WPU जहां पर कचरा प्रोसेसिंग मशीन लगाया जाएगा, कचरा को रिसाइकलिंग करके खाद बनाया जाएगा और रिसाइकलिंग करके जो फिर सामान के बदले सामान बनाया जाएगा उसके लिए हम पुनः ज़मीन दिए हैं। खुश हैं जी? हम खुश हैं। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, DDC महोदय और जिलाधिकारी महोदय से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जो सरकार का ये जन कल्याणकारी योजना है सक्सेस हो पाएगा, हम एकदम सक्सेस कर देंगे। हम जिलाधिकारी महोदय, DDC महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, ठीक है। यह जन कल्याणकारी योजना है, अत्यंत महत्वपूर्ण योजना भी, तो उसके लिए आप बात कर रहे हैं कि चलता रहे? हम बात कर रहे हैं, ये तो अंचल अधिकारी महोदय को अतिक्रमण बात चलाने के लिए मेरा NOC किया हुआ जमीन, दो जगह NOC कैसे कैसे होता है, NOC प्राप्त जमीन को भी अतिक्रमण लोग कर लिए हैं, जिसके लिए अतिक्रमण बात चलाने के लिए जिलाधिकारी महोदय, क्या कहते हैं, DCLR महोदय, SDO साहब, SSP महोदय, सारे कोई मिल करके उनको बोले हुए हैं कि वहाँ अतिक्रमण बाद में चलाए हैं। कहाँ पर? अब NOC किया, जैसे कि हमारे हथौड़ी मुख सड़क के किनारे यात्री सेतु बनाने के लिए सड़क से 10 फीट छोड़ करके 50 गुना है। नाला का भी हम योजना लिए हैं जो पोर्टल पर चढ़ चुका है, अभी हम काम आरम्भ समय में करने जा रहे हैं। सिधौली वार्ड संख्या 3 में मेरा और सार्वजनिक शौचालय बन रहा है पंचायत कार्यालय के निकट, जो 3 लाख का, उसी जगह सोली पान दुकान के निकट हम वहाँ एगो पुलिया बनाने जा रहे हैं, स्लोपिंग बनाने जा रहे हैं। वहाँ जामा मस्जिद जो है वार्ड संख्या 3 में, वहाँ पानी लग जाता है, उसको हम हाई करने जा रहे हैं। संख्या 2 में भी अमजद वाला जो गली है उसमें कब लोगों को पाँव हाथ टूट जाए, क्या हो जाए, बड़ी बुरा हाल है, उसको भी करने जा रहे हैं। बेचू जी के यहाँ पर रास्ता है लेकिन वहाँ पर स्लोपिंग नहीं है, चैम्बर नहीं है, जिसके कारण जल जमाव हो रहा है, उस काम को भी हम अभी फर्स्ट फेज में करने जा रहे हैं। वार्ड संख्या 6 में भी हम काम करने जा रहे हैं, वार्ड संख्या 8 में भी काम करने जा रहे हैं, सुरहा चट्टी पर भी काम करने जा रहे हैं और पेठिया गाची में भी हम काम करने पंचायत में अतिक्रमण है सुरहा चट्टी चौक पर, हर जगह फरकेट करके हमको पैसा नहीं बताया वो सचिव महोदय, नहीं बता रहे हैं। सचिन महोदय के असहयोग के कारण, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं बढ़िया ढंग से, वो हमको आकर के बताएंगे ना कि इतना राशि है, इतना पैसा को इस मद में खर्चा करना है, इतना पैसा को इसमें, हमको कहते हैं सीधा कि 15 लाख का काम करना है, 15 लाख हमारे पंचायत में अभी करोड़ों रुपया का काम है, अब 15 लाख में हम कौन सा काम करूं, कैसे करूं, हमको कहते हैं और पैसा आने दीजिए, सचिन महोदय कहते हैं तो एक ही बार आपका हमें सामने बरसात है, अत्यंत जरूरी वाला योजना सब है। तो पंचायत सचिव जी, हम अभी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि हमारा पंचायत सचिव है कौन, शिवनाथ जी हैं कि कौन है। हम शिवनाथ जी के खिलाफ हम आवेदन लिख चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय को दे चुके हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से हम वो बताने जा रहे हैं जो उनके खिलाफ जो लिखे हैं, पंचायती राज पदाधिकारी महोदय को भी दे दिए हैं। BDO साहिबा से भी हमको बातचीत हुआ है कि हमको साफ सुथरा, हम दिव्यांग मुखिया है, हम अच्छा बेहतर काम करना चाहते हैं, तो हमको बेहतर, हम त्रिवेणी यादव जी जो हैं जी, हम उनको मांग किए हैं कि त्रिवेणी यादव जी को दो ही पंचायत, और को तो 3-4 मिला हुआ है, तो हमको त्रिवेणी जी को दो ही मिला हुआ है, त्रिवेणी यदि हमको यादव ही देना चाहते हैं तो हमको त्रिवेणी यादव जी को दे दिया जाए, अन्यथा हम पंचायती राज पदाधिकारी महोदय दरभंगा से मांग किए हैं कि पूरे जिले में जो सबसे बेहतर और साफ सुथरा पंचायत सचिव है, मैं दिव्यांग हूँ, हमको वैसा व्यक्ति दिया जाए जो हमको सहयोग करें। okay, जल जमाव के लिए जहाँ पानी बहने का जगह नहीं है, इस वक्त कहाँ रोड है, सड़क है, पूरे पंचायत में जल जमाव का समस्या है, जहाँ जहाँ जल बह रहा था उधर से लोग ब्लॉक कर दिए हैं, ये भीषण समस्या हो गया है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम सभी वार्ड मेंबरों से बार बार निवेदन करके मांग रहे हैं कि अपने अपने वार्ड से जहाँ पर छत से पानी गिर रहा है वहाँ पर सोख्ता बनाया जाएगा, जहाँ चापाकल का पानी है वहाँ पर सोख्ता बनाया जाएगा, जहाँ कुआं है वहाँ पर सोख्ता बनाया जाएगा, जहाँ कई कई को नाला है और पानी बहने का जगह नहीं है वहाँ भी सोख्ता बनाया जाएगा, तो उस जगह का चिन्हित करके हमको वार्ड मेंबरों के द्वारा मिले, वार्ड सभी वार्ड मेंबरों से हम फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अनुनय विनय करके वो मांग रहे हैं ताकि वो दे दें, ताकि उस जगह पर हम ऐसा चीज बना दें जो जल जमाव का समस्या दूर हो सके। कहीं कहीं हम सड़क को ऊंचा किए हैं, उसी हिसाब से लेवल बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम दूसरा रास्ता चेंज कर रहे हैं, समय अनुसार जो अभी समय की मांग है उसके मुताबिक हम उसको कर रहे हैं,
हम यथाशीघ्र उस काम को पूरा करेंगे। समस्या आपके गंभीर है, क्या कहेंगे, क्यों जल समस्या है, उसके लिए क्या निदान कर रहे हैं? जल जमाव की समस्या, जल संकट, महिलाओं को कपड़ा उठाकर चलना पड़ रहा है, वहाँ पर लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट मतलब होने का संभावना है। आपका अभी लगभग 6 महीना हो गया मुखिया बने हुए, तो खाली चाय पीते रहेंगे कि वो जनता के लिए कुछ करेंगे? देखिए, आप तो हमारे एक से एक काम देख रहे हैं, हम जो भी काम करेंगे उनमें पदाधिकारी महोदय को भी सहयोग और समर्थन की जरूरी होता है। कहीं कहीं हमको देखा गया है कि पदाधिकारी महोदय, जैसे हमारे पंचायत सचिव महोदय, उनका भी सहयोग अत्यंत जरूरी है। पंचायत सचिव महोदय को 3-3 पंचायत सौंपा गया है। पंचायत सचिव महोदय को वो जो जॉब के बाद समाप्त होने के बाद 2 साल के लिए जो पुनः उनको जो किया गया था, जो आप वो भी समाप्त हो गया है। शिवनाथ मंडल जी को जो किया गया था वह समय उनका लेप्स हो चुका, अब एक्सटेंशन वह पुनः कराना चाहते हैं। हमको शिवनाथ मंडल जी बोल रहे थे कि अप्रैल माह में, 4 माह में 2022 को ही हो गया है मेरा एक्सटेंशन। हम समझ रहे थे हो गया होगा, लेकिन इस बीच में जब कोई कोई काम की जरूरत पड़ा तो बोले अभी हुआ ही नहीं है। जब मैंने वो हमको टाल मटोल करना चाहते हैं कि जब मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा तब से आप काम शुरू कीजिएगा, तो इतना देर तो पंचायत का काम हम बाधित रख नहीं सकते हैं। जनता को मुझे भी जवाब देना है, सामने बरसात है, वास्तव में हर जगह पानी लगी हुई है।